सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन आ ही रहा है कि सर हम डीएड कर रहे हैं एचआई में और 19-21 बैच के स्टूडेंट हैं, डीएड एचआई में कर रहे हैं और 19-21 बैच है हमारा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारा पेपर रीड का अच्छा हुआ है, हमारे अच्छे अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं, 130 बन रहे हैं। अब एक समस्या हमें फेस हो रही है कि क्या सर हम रीट में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इस पे हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये क्वेश्चन लगभग मैं अगर अपना व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लेके शेयर करूं तो हर एक स्टूडेंट का लगभग यही क्वेश्चन है कि सर रीट का पेपर ईजी आया था, अच्छा हो गया। ठीक है, हमारे फर्स्ट ईयर के पेपर हो गए, उसका रिजल्ट आ गया, कुछ का रिजल्ट भी नहीं आया तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, और अब हमारे 21 से डीएड एचआई के सेकंड ईयर के एग्जाम है, क्या रीट के रिजल्ट आने से पहले डीएड कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं उनके माइंड में, ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ऑब्वियस है, बनने भी चाहिए क्योंकि अच्छा स्कोर है, 120 130 110 प्लस जो भी स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, और अगर नौकरी लगने वाले मार्क्स लेने के बाद भी नौकरी ना लगे तो उससे बड़ी दुख की बात कोई भी नहीं होगी। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो डायरेक्ट मेरे साथ बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। उसके लिए आपको TST गुरविंदर सर्च करना होगा इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए, वहाँ पे द स्पेशल टीचर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, TST गुरविंदर लिखना होगा। ठीक है, जैसे ही TST गुरविंदर लिख के सर्च करेंगे आपको मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा जहाँ से आप मुझे फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि TST गुरविंदर यहाँ पे लिखा आ रहा होगा। ठीक है, तो बात चलते हैं उसी टॉपिक पे। तो दोस्तों, रीट का जब तक रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, तो ये पूरी पूरी संभावना बन रही है कि आपका डिप्लोमा तब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जैसे रीट में नए नए चीज़ें सामने आ रही हैं, पेपर लीक का मामला चल रहा है। ठीक है, कभी कोई पकड़ा गया, कभी कोई पकड़ा गया, कोई कह रहा है कि इस बंदे ने इतने बंदों को पेपर बांटा, तो ये सारी चीज़ें हैं जो रीट की वो इतनी जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली नहीं है। और आपका अगर फर्स्ट ईयर की बात करें, 12 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट थे, लगभग 17 जुलाई तक ख़त्म हो गया था आपका। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है वो दो महीने दस दिन के आसपास आ गया था आफ्टर प्रैक्टिकल्स एंड ऑल। ठीक है, तो अगर बात करें डीएड एचआई सेकेंड ईयर के रिजल्ट की, अभी आपका अगर इस मंथ में पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, 27 लास्ट पेपर है आपका, 27th of October आपका लास्ट पेपर है। ठीक है, मान लो नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर तक इसका रिजल्ट अटकाएंगे, क्योंकि 2 साल से ऊपर चल रहा है जितना भी टाइम चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने स्कोर कर लिया है अच्छा रीट में, आप कुछ मत कीजिए, वेट कीजिए, जैसे ही आपके पेपर ख़त्म हो जाते हैं डीएड एचआई सेकेंड ईयर के, तब आप एक काम कीजिएगा, आप तब कोशिश कीजिएगा यूनिवर्सिटी को बार बार मेल करने की NBR को मेल करने की, ताकि आपका जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट है वो टाइम पे निकल जाए। ठीक है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल नौकरी लगेंगे अगर आपका ये रिजल्ट है, ज़्यादा देर यूनिवर्सिटी नहीं लटकाती। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो मेन रीजन था इस वीडियो को बनाने का, यही था कि आप रीट को भूल जाओ एक बार, 3 दिन बाद 2 दिन बाद आपके जो एग्ज़ाम है उन पे फोकस करो और अच्छे से करो। ठीक है, एग्ज़ाम अगर आपकी अब अभी रीट पे फोकस करते रहोगे, रीट के रिजल्ट होने पेपर होने के बाद भी अब उन्हीं चीज़ों में रहोगे, तो अगर इसमें किसी पेपर में बैक आ गई तो रिजल्ट चाहे रीट में 130 मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, फिर भी अगर डीएड नहीं है तो आप वहाँ नौकरी नहीं लग पाएंगे। इसलिए आप अपने थ्योरी पे, अपने प्रैक्टिकल काम पे वर्क कीजिए, फोकस कीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए, आप नौकरी लग रहे हैं अगर आपका अच्छा स्कोर है तो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।